कक्षा 9 छलकाम छतवन प्रखंड क्यूटी जिला दरभंगा बिहार में कोई सीटें टीचर्स की सीटें किराने की सीटें कुछ 10 साल से खाली हैं, कुछ 4 साल 5 साल 7 साल ऐसे खाली पड़ी हुई। तो इस मुद्दे को मैंने जुलाई 2019 में सेक्रेटरी साहब के सामने रखा था, उसको उठाया भी था कि ये सीटें खाली क्यों पड़ी हुई हैं, भर्ती क्यों नहीं हो रही, इतने सालों से खाली पड़ी हुई हैं तो क्या प्रक्रिया उठाई। उस टाइम पे अगस्त में 2 या 4 तारीख को वो 2019 में हज पे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा हज पे आऊँगा, हज से वापस आऊँगा, उसके बाद में करूँगा। मैंने कहा कि ऐसा है कि प्रक्रिया उठाने के लिए लेटर तो आप भेजिए अपनी तरफ से, जब तक 2 महीने में आप आएंगे तब तक ये चीज़ें वहाँ मदरसा बोर्ड से दूसरा रिप्लाई आ चुका होगा, या 3 महीने 2 महीने का जो टाइम लगेगा आपका उसमें दूसरी चीज़ें आगे बढ़ चुकी होंगी, नहीं नहीं तभी मैं आऊँगा, तभी उठाया जाएगा, तभी ये चीज़ भेजी जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या भेजा नहीं भेजा मुझे नहीं पता। अगस्त 2020 में जब मैं उनसे मिला तो पता चला कि लेटर भेज दिया गया है और जो स्टेप्स उठाए गए, लेकिन कोरोना की वजह से आगे बात नहीं बढ़ रही है। अभी मैंने उनसे कहा था कि अगर ऐसी बात है तो मेरे कुछ पहचान के लोग हैं, इस कागज़ को, इस काम को आगे बढ़ा दिया जाएगा, अगर आप हाँ कहें तो मैं आगे बात करूँ। वो 17 अगस्त 2020 का टाइम था। तो उसके उन्होंने कहा कल मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कई बार उनको कोशिश करी, कई बार कॉल करने की कोशिश करी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 दिन लगातार 4-5 बार मैंने कॉल की, ये बात मैंने अभी उनको बताई है। तो ये सब जब नहीं हो रहा था तो फिर मैंने सितंबर 12, 2020 को सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2005 की धारा 6(1), 6(3) और 7(1) के तहत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को उसमें जो मैंने मांगी थी उनसे सूचना, वो सूचना कुछ 7 थी। इसमें से ये थी कि पहली सूचना ये थी कि पिछले 10 वर्षों में, मतलब कि 2010 से 2020 तक बिहार सरकार से कितना अनुदान मिला और उस अनुदान को किस कार्य में खर्च किया गया या टीचर। और दूसरा सूचना ये थी कि क्या बिहार सरकार के अनुदान के अलावा भी मदरसे में कुछ अनुदान मिला है, तो कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, वो क्या है और उसकी क्या, उसको किस पैसे में किस मकसद से खर्च किया गया है। दो सूचना पहली दो सूचना ये हुई। तीसरी सूचना ये थी कि मदरसे कितने शिक्षक होने चाहिए, वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, तो कितने शिक्षक हैं, टीचर हैं वहाँ पे और कब से हैं, क्या मदरसे में किसी किरानी या किसी शिक्षक का पद खाली है, तो कुल कितने पद खाली हैं और कब से खाली हैं। जब ये पूछा गया था तब कोई 5 सीट हो गई थी, इसमें से 1 किरानी है, 1 मौलवी है और 3 टीचर की सीट खाली है। और 5वीं ये थी कि खाली पदों को भरने के लिए क्या मदरसा या मदरसा बोर्ड या मदरसा के सचिव या मदरसा में जो संगठन जो मदरसे को चला रही है, अगर कभी कोई पहल की गई तो कब कब की गई, वो जानकारी दी जाए। पहल की गई तो वो पहल आगे बढ़ी क्यों नहीं, उसका भी कारण बताया जाए। और 6ठा ये था कि मदरसा के वर्तमान सचिव का पद कितने वर्षों का होता है, तो अगर ये चीज़ कमेटी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, तो कुछ समय सीमा होगी कि एक सेक्रेटरी कब से कब तक रह सकता है और कितने वर्षों का होता है। और चुनाव के लिए अगर सेक्रेटरी का वर्तमान सेक्रेटरी का पद समय सीमा खत्म हो जाती है तो अगले सेक्रेटरी के चुनाव के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए क्या प्रक्रिया, कैसे स्टेप्स उठाए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है और क्या कभी पिछले 10 वर्षों में कितनी बार किया गया। एक सचिव का समय तो 10 वर्ष का हो नहीं सकता, संभव नहीं है 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक का। और 7वां सवाल ये था कि मदरसे में जो हाट लगती, बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को, ये किसी कारणवश बहुत पहले हमारे बड़ों ने शुरू किया था। इसका पहला मकसद ये था कि वहाँ पर लोग आएंगे उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, जो लोग सामान बेचेंगे उनसे कुछ पैसे नहीं लिए जाएंगे बेचने का। तो उन्होंने फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, अगर मतलब हाट लग रही है, बाजार लग रहा है, तो उसी पैसे जो पैसे लिए जाएंगे उसका पैसा, उन पैसों का को मदरसे को दिया जाएगा और मदरसे के जो बच्चे रहते हैं उसमें और भी जो कार्य हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ये होता रहा। अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि वो जो पैसे आते हैं कोई 30,000 रुपये के आसपास आते हैं, बगल में और दूसरी जगह जो हाट लगती है जहाँ डाक लगता है, लोग आते हैं उसमें अपने हिसाब से पैसे मांग बताते हैं, उसका जिनका ज़्यादा पैसा होता है, डाक में जिस तरह का सिस्टम होता है, बोली लगती है तो पैसे दिया जाता है, तो वहाँ कोई 80,000-90,000 रुपये मिलते हैं। हमारे यहाँ मदरसे में 30,000 रुपये दिए जाते हैं डाक लगने के लिए। सिलेक्शन के लिए भी लोगों ने स्टेप्स उठाए कि कैसे कैसे डाक लगाया जाए, बोली लगवाई जाए, तो कुछ लोगों ने इतराज़ किया। फिर फाइनली जो हुआ कि नहीं, जितने लोग कर रहे हैं वही लोग जितना पैसा दे रहे हैं, उनकी मर्जी है जितना दे दें, तो वो दे दें, ऐसे चलता रहा। तो ये मैंने सितंबर 12, 2020 को पूछी थी। इसका जवाब
मुझे मदरसा बोर्ड की तरफ से 8 जनवरी को दिया गया, 8 जनवरी 2021 को। और उसमें जो सूचना दी गई उसमें दिया गया कि पहले क्रमांक 1-2 से जो पूछी गई है वो जिला शिक्षा भुगतान जो है, अब हालांकि मैंने भुगतान के बारे में नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कोई अनुदान दिया जाता है। उन्होंने जवाब दिया, शिक्षकों के वेतन भुगतान और अन्य भुगतान जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से किया जाता है, संबंधित जानकारी कृपया संबंधित अधिकारी से संपर्क करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और 3 से 7 तक जो मदरसे के शिक्षक कितने खाली हैं, कितने पद हैं, उनके बारे में सूचना मांगी गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोक सूचना अधिकारी हैं मोहम्मद एजाज अहमद साहब, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के, उन्होंने कहा कि ये मेरा कार्यालय, सूचना अधिकारी का कार्यालय मदरसा को सूचित कर रहा है कि आप 3 से 7 तक की सूचना उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सूचना दी तो सबसे पहले जो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(1), 6(2), 6(3) और 7(1) का सीधा सीधा उल्लंघन है, जिसका जवाब सूचना अधिकारी मोहम्मद एजाज अहमद साहब क्या कहते हैं एपलेट अथॉरिटी को, एपलेट ऑफिसर को बिहार सूचना विभाग में देंगे, देना पड़ेगा उनको। वो सूचना उनको क्या सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19(1) के तहत देना ही पड़ेगा, इसकी चिट्ठी मैंने उनको भेज दी है। तो अब तो एक तो ये उल्लंघन था ही, फिर भी मैंने इस लेटर के बिहाफ पे मैंने मदरसे से बात करी और उनसे मैंने कहा कि ये लेटर भैया मुझे मिला है, देख लीजिए, और इसके हिसाब से मैंने अटैचमेंट भी लगा दिया था, इसके हिसाब से मुझे ये जानकारी दीजिए जो मैंने इसमें मांगी हुई है। तो मदरसे के हेड मदरसे साहब ने मुझसे कहा कि आप मुझे शाम तक का टाइम दीजिए। शाम को फिर जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी से मैंने बात कर ली है और कल मिलिए मुझे आप, आज सेक्रेटरी से मुझे मिलने जाना है। फिर जब नेक्स्ट डे मैं गया तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे मिलकर बात करेंगे। कब बात करेंगे भाई? तो पंद्रह कि शाम में 7-7:30 बजे के आसपास बात होगी। 7-7:30 बजे के आसपास सेक्रेटरी साहब बैठे, मेम्बर बैठे, एक मेम्बर हमारे मामू लगते हैं जब हम वो बैठे, और एक दो लोग और थे और मदरसे के जो टीचर्स थे 2-3 वो भी थे वहाँ पे। और तब उनके सामने जब बात यही बात कह रखी गई तो वही बात है जो पहले से बताई जा रही है कि हाँ हाँ यही प्रक्रिया उठाई गई है, ऐसे ऐसे किया गया है, आपको मुझ पर विश्वास हो तो रखिए करिए काम, नहीं तो मैं कहिए तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, आप लोग संभालिए। हमने कहा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं मदरसे के, जिस मकसद से कमेटी बनी हुई है, जिस मकसद से आप इसका को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं चेयर को, तो उसमें वो पूरा हो रहा है तो हमें कोई समस्या नहीं है, हमें क्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसे भी तो समय हो गया है, उम्र हो गई है, तो अब जो है मैं रिजाइन कर देता हूँ, आप लोग आ जाइए, आप लोग संभालिए। हमने कहा कि जरूरत नहीं है, आप जब तक है तब तक करते रहिए, लेकिन काम होना चाहिए, मदरसे का भला होना चाहिए। और तो फिर जब उठने लगे लोग तो मैंने उनसे कहा कि अब तो बात हुई लेकिन सब जब जवानी बातें हैं लेकिन इसका कुछ हल नहीं दिख रहा मुझे, तो अब अगला स्टेप क्या होगा इसके? बातें तो इस पर जो बातें आपने अभी कही हैं मुझे वो बातें तो मैं सालों से पिछले 2 साल से सुनी रहा हूँ, अब क्या करना है? तो उन तो जो कमेटी के मेंबर हैं एक हीरा, उन्होंने कहा कल मिलो आप मुझसे, कल हम बात करेंगे। कल मैं नहीं जा पाया, परसों भी नहीं जा पाया, नेक्स्ट एक दिन और मिला जा करके मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि अब जो है इसमें क्या किया जा सकता है, हमने भी पहले बहुत सारी कोशिशें करी कुछ हुआ नहीं, तो अब तुमको जो समझ में आता है वो करो, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। क्या ये भी ठीक है? जब फिर मैंने कहा कि अभी जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, आप लोग संभालिए, तो मुझे कहिए कि मैं बनने को तैयार हूँ, रिज़ाइन करें या फिर जिस तरह से हो सकता है वैसे करें, मैं बनने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, कि तुमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बोले मैं देख लूँगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, अब मुझे यकीन है मैं कर लूँगा और मैं करूँगा, जो हो सकता है पहले फिर सारी समस्या को हटाया जाए, किया जाएगा, उसके आगे जो सामने जो है देखा जाएगा क्या हो सकता है, जो भी होगा कानूनी तरीके से होगा। तो फिर यहाँ बात ख़त्म हो गई। अब फिर ये बातें निकल के बाज़ार में ऐसे आने लगी कि अब मेरे अंदर लालच आ गया है, मैं सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है, आप काम कर दिए, किसी को बनने की ज़रूरत नहीं, जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं। अब ये सब होने के बाद मीटिंग हो रही थी उसमें भी एक बात मैं कहना भूल गया कि उसमें भी कहा, ये भी कहा गया था कि ज़मीन के बारे में बात हुई, ज़मीन के बारे में बात हुई तो ये कि ज़मीन वक्फ में है कि नहीं, ये बात मैंने पूछा कि अगर वक्फ में है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको वक्फ में चलवाना ज़रूरी है। तो
साहब ने कहा कि आपको ये जो है ना कागज़ है मेरे पास जो मुझसे मांगा गया था बोर्ड से, वो मैं कल आपको दे दूंगा। मेरे हिसाब से नहीं चढ़ी हुई, उनको उस वक्त तक ये नहीं पता था कि चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, जैसा कि उनका कहना था अल्फाज थे। तो अगले दिन मैं आपको कल आके दे दूंगा, कल मैंने कल और मैं फला आदमी को दे दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। कल मैंने उनको फ़ोन किया कि आपको मिला कागज़ तो नहीं। नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन किया तो मैं थोड़ा बिजी था, ऐसे था, उसमें नहीं हो पाया। फिर जब बताया कि उसके बाद में मिला हूँ, 3 दिन के बाद में मिला हूँ उनसे, तो उसी ने बताया उन्होंने कि नहीं मेरे पास कोई कागज़ नहीं आया है, उन्हीं के पास उन्हीं से लेना होगा। तो 14 की बात है शायद, हाँ 14 फरवरी की बात है। फिर 16 फरवरी को मैं सेक्रेटरी साहब के घर पहुँचा, उनसे कागज़ के बारे में बात की। तो उन्होंने सबसे पहले बात शुरू ये करी कि आप जो कर रहे हैं, या दो तरीका हो सकता है, या तो आप कागजी तरीके से बात कर लीजिए, या फिर जो ऐसे बात हो रही है उसके तरीके से बात कर लीजिए। तो कागजी तरीके से बात तो होगी, वो दूसरे तरीके से बात हो रही थी, सिर्फ ज़बानी हो रही है, हमें चाहिए रिटर्न में, रिटर्न में देने को तैयार नहीं। तो आप दोनों में से कोई एक रास्ता अख्तियार कर लीजिए। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर, 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, वहाँ पे हीरा मामा रहेंगे और आप रहिए, हम बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बातें हो रही हैं, कोई लिख के बताने को तैयार नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों मिलेंगे वहाँ पे, वो नहीं मालूम। वो बात होती तो फिर पता चलता क्यों मिलेंगे। मुझे लगा ऐसे मांडे वाली जैसी बातें हो रही हैं, बस आप कुछ कहिए हम कुछ कहें, कोई दूसरा कुछ कहे, ऐसी बातें होती रही लेकिन कोई ठोस रिजल्ट नहीं आ रहा उसका। इससे एक दिन पहले मैं 15 तारीख को, 14 तारीख को फिर मैं मदरसे में भी गया था कि आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए, या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए से, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और मैं उसको अगले किसी पोस्ट में उसको डालूंगा, उसको कि आपने तो एक्सेप्ट कर लीजिए या रिफ्यूज़ कर दीजिए, दोनों में से कोई नहीं। तो उनसे पहले भी एक बार कह रहे थे कि मैं ऐसा कहिएगा तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मैंने रिज़ाइन कर दीजिएगा तो उससे समस्या का हल नहीं होगा, परेशानी खत्म नहीं होगी, आपकी जगह कोई और आएगा, कोई और आएगा तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। आपके रिज़ाइन करने से, हेड मदरसे के रिज़ाइन करने से कुछ होने जाने का नहीं है, आपको जवाब देना। आप जवाब देने में इतना क्यों डर लग रहा है, क्या कुछ गलत कर रखा है आपने जिसमें आपको ये बताने से डर लग रहा है कि सीटें कब से खाली हैं और कितने टीचर होने चाहिए और कितने टीचर अभी हैं, जैसे में हाट लग रहा है कानूनी है या नहीं, गैर कानूनी है, ये बताने में डर लग रहा है। तो उन्होंने नहीं लिया, जवाब नहीं दिया। अब ये चीज़ें हैं फिर जो मदरसा बोर्ड को बताई गई है इनके लेटर के हिसाब से, और इनके लेटर के हिसाब से बिहार सूचना अधिकारी को, अपलेट अथॉरिटी को भी लेटर लिखा गया है। जब मैं 16 तारीख को जब उनसे सेक्रेटरी साहब से मिला था तो मैंने पूछा कि आपको ने कोई ट्रस्ट बनाया है, खबर मिली है कि ट्रस्ट बनाया है आपने, इसमें ये कहा गया था, मुझे बताने वाले ने कहा कि उसमें लोगों से मेंबर हैं और जो भी हैं मदरसे के लोग हैं, टीचर्स हैं, उनसे आधार कार्ड वगैरह डिटेल ली गई थी और दरभंगा जाया गया था ट्रस्ट बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा, सीरियस इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ लेकिन ऐसा होना है। मैंने एक और बात पूछी उनसे कि जब ऐसा होगा तो क्या लोगों को बताया जाएगा, गांव वाले लोगों को बताया जाएगा कि ऐसा सब हो रहा है, ये प्रक्रिया है, बताइए क्या किया जाए, या ऐसा सब करने वाले हैं क्या बताया जाएगा। तुमने कहा नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर उसके इसमें होगा ये कि आप मुझे, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, आप लोगों को नहीं सीधे तय करें, मतलब कि वो नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे उस केस में तभी जब वो रिज़ाइन कर दिया जाएगा, जब वो उस पोस्ट पर रहेंगे जब तक, तब तक वो नहीं बताएंगे लोगों को क्या क्या ट्रस्ट बनाने के लिए क्या प्रक्रिया हो रही है, किस किस लोगों को बनाया जा रहा है। अगर ये ऐसा है तो सीधे से मुझे लगता है कि ये तरीका तो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अलोकतांत्रिक है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये इतने दिनों से ये जो कमेटी चल रही है पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके, अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही है। तो अब इस बात की जानकारी कि ये ट्रस्ट चल कैसे रहा है और जो हो रहा है वहाँ पर वो लोकतांत्रिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको अब मैं चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भेज रहा हूँ, और ये भेजा जाएगा तभी जब मैंने जो वकीलों से मशवरा लिया है उसके हिसाब से जो एक ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट उसको भेजा जाएगा। और कहाँ कहाँ भेजा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री हैं मोहम्मद सलमान खान, उनके साथ उनके मुख्य सचिव हैं डॉक्टर सफीना ए एन, उनको जाएगा। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भारत सरकार के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी को मैं पर्सनली जाकर दूंगा, उनकी जो सेक्रेटरी हैं बिहार कल्याण विभाग की सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार दास, उनको भी चिट्ठी भेजी जाएगी। जिलाधिकारी दरभंगा को भेजा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये मंत्री का ये जो चल रहा है लोकतांत्रिक
मंदिर नहीं है तो क्यों चल रहा है। अगर इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है, ये चीज चलती रहती है, तो इसके बाद इन्हीं चीजों को लेकर के पिटीशन डाली जाएगी कोर्ट। जिन लोगों को जो जो इन्वॉल्व है उनको कोर्ट तक आना पड़ेगा। मैं जब तक हूँ करता रहूंगा, जब तक हल नहीं निकल जाता। चाहे आप फिर उस दिन आप बीमारी का बहाना करते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ, मेरा कहीं और काम हो गया है, तो कोर्ट देखेगा।